दोस्तों, आज हम जानते हैं आईएएस के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ सवालों को। ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल देखिए आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं, चलिए जानते हैं। वैसे आईएएस का एग्जाम सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। लिखित परीक्षा पास होने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तब सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है आत्मविश्वास, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता। कुल मिलाकर यह परीक्षा श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ के चयन की होती है। आइए आपको बताते हैं आईएएस एग्जाम में पूछे गए सिर घुमा देने वाले कुछ सवाल और उनके जवाब। सवाल: एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई और उसे तीन कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरे कमरे में बंदूकों से लैस हत्यारे और तीसरे में ऐसे शेर हैं जिन्होंने 3 सालों से कुछ नहीं खाया, उसे क्या चुनना चाहिए? दोस्तों आप सोचिए, लेकिन इसका जवाब है कमरा नंबर 3, क्योंकि 3 सालों से भूखे शेर अब तक मर चुके होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप एक कच्चे अंडे को कंक्रीट फ्लोर पर कैसे छोड़ेंगे कि यह क्रैक न हो? जवाब है, कंक्रीट फ्लोर अंडे से नहीं टूटेगा, आप कैसे भी छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह क्या है जिसे ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खाया जा सकता? तो जवाब में है लंच और डिनर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, उनका नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है, बिल्ली का नाम क्या है? एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, उनके नाम जनवरी, फरवरी और मार्च हैं, बिल्ली का नाम क्या है? सोचिए, प्रश्न में ही जवाब है। दोस्तों इसका सही जवाब है बिल्ली का नाम क्या। क्या जो है वह बिल्ली का नाम है। अगला सवाल, आधे सेब की तरह क्या दिखता है? बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि आधे सेब की तरह क्या दिखेगा। उसका जो जवाब दिया वह यह है कि दूसरा आधा सेब। अगला सवाल, 2 जुड़वा बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए, लेकिन उनका जन्मदिन जून में आता है, यह कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है, क्योंकि मई एक जगह का नाम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी नींद के बिना 8 दिन तक कैसे रह सकता है? इसका जवाब है, आदमी रात को सोता है तो फिर उसे दिन में सोने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, क्या आप बुधवार, शुक्रवार और रविवार का नाम लिए बिना 3 लगातार आने वाले दिनों के नाम ले सकते हैं? तो जवाब है कल, आज और कल। दोस्तों ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे संपर्क में रहिए। संपर्क में रहने का बेटर तरीका है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।